दिल खुश हो चुका है। जो आगे डैशबोर्ड है वो भी पूरा प्रॉपर, अगर स्टेयरिंग देख रहे हैं तो ये स्टेयरिंग भी पूरा रैप्ड। तो जी, पुरानी गाड़ी हम बेचे क्यों जबकि उसके अंदर इतनी जान है, वो भी चल सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पुरानी गाड़ी को ना कुछ नया सा रूप दे रहा हूँ, कुछ नई थीम के साथ में कुछ नया चार्म डाल रहा हूँ उसके अंदर। और होने क्या वाला है कि जैसे आप देख रहे हो ये सारे भाई भाई लगे हुए हैं, इसके अंदर अभी बहुत सारा काम होने वाला है। और ये सारे भाई जो हैं हमारे एक के बाद एक काम पे लगे हुए हैं, एक के बाद एक चीज़ होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होने वाला है। लेकिन आपकी जो पुरानी गाड़ी है उसके अंदर अगर नई जान आ जाए तो फिर क्या ही कहने, क्यों नई एक गाड़ी खरीदनी जब हमारी पहले वाली गाड़ी चल सकती है, जब वो पर्पस बिल्ड है। तो इस वक्त मैं जहाँ पे काम करा रहा हूँ, इनका जो स्टोर है इसका नाम है क्रिस्टल कार केयर, ये करोल बाग में पड़ता है। आओ चलो एक बार अंदर देख लेते हैं इसको कि ये करते क्या क्या काम है और क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास। तो की मेकिंग वगैरह इन्हीं के स्टोर के बाहर हो जाती है। यहाँ पे अंदर की तरफ आते रहते हैं तो कुछ इस टाइप का माहौल है। गाड़ियों की एक्सेसरीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इनकी खुद की फैक्ट्रीज भी हैं आई थिंक, कि ये जो लोग हैं ये सीट कवर्स वगैरह मैट वगैरह ये बनाते हैं। क्या क्या कर रहे हैं हम आज गाड़ी में? गाड़ी में हम पूरा इंटीरियर से रिलेटेड सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि अपना इंटीरियर अपग्रेड कर रहे हैं हम नापक क्वालिटी में। ये रही है आपकी कैटलॉग जिसमें हम ये कलर इसमें डिसाइड किया हमने बनाने के लिए, ये वाला जी, ये है ना कलर, यही कलर है आपका, ये वाला कलर। और ये वाला कलर डिसाइड करा है, कहाँ से आई है ये? हमें एक भैया बेंटले देख के आए थे, इन्होंने वहाँ से चूज किया है कि हमें ये कलर कराना है इस गाड़ी में। इसकी इंस्पिरेशन वहाँ से आई है। और जो टॉप पे लगेगा वो फाइबर इस टाइप का है, इसके अंदर ब्लैक है बेसिकली, इसके अंदर ब्लैक कलर लगेगा, ये ब्लैक है और बीच में ये वाला एक्सेंट आ जाएगा। और इसमें हम कर रहे हैं एम्बियंस लाइट लगा रहे हैं, जो कि आजकल मर्सिडीज ऑडी सब में ही आ रही है एम्बियंस कंपनी। हाँ, एक बार निकाल के, ये एम्बियंस लाइट है भाई, ये चलती है। अच्छा, ये क्या होता है मटेरियल, ये जो चीज होती है, ये फाइबर होता है, फाइबर ऑप्टिक्स, आजकल ऑप्टिक्स फाइबर कहते हैं ये चीज। अच्छा, ये रहा फाइबर ऑप्टिक्स और ये है इसकी लेजर्स बेसिकली। और ये इसमें रिमोट से भी कंट्रोल्ड है और ये आपका मोबाइल ऐप से भी कंट्रोल्ड है जो कि ब्लूटूथ से चलेगा आपका। अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम हम इसमें बीएमडब्ल्यू स्टाइल एक कामरस लगाने वाले हैं जो कि बीएमडब्ल्यू की तरह खुलता है। वेरी नाइस, ठीक है। इसको भी हम इसी कलर में कवर करके देंगे जो कि पूरा इंटीरियर। अच्छा, वो तो खैर अलग है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक कप होल्डर भी है पीछे, यहाँ पे एक होल्ड कर सकते हो कप या बॉटल कुछ भी। और बाकी इसमें यूएसबी के लिए भी है, इधर भी चार यूएसबी है और आगे भी है ना जी। वैसे ये चलती है ना यूएसबी सारी, ठीक है। और एक बार वो वाला बॉक्स उठाओ ब्रांड न्यू, तो ये हमने सेंटर लॉकिंग फिट कर लगाई है इन्होंने की सेफ करके सेंटर लॉकिंग। इसके अंदर जो फायदा मिला हमें वो बता दो एक बार कि हमें ये वाला रिमोट मिल गया। इसमें आपको फ्लिप की वाला रिमोट इसी के अंदर मिला है, आपको अलग से फ्लिप की बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर से फ्लिप की बनवाने जाते हो आपको बहुत कॉस्टली पड़ती है, 1500-2000 जो डिमांड करते हैं की मेकर्स, इससे कम करते ही नहीं है। पर हमने इनको इसमें ही फ्लिप की कंप्लीट करके दी है। और बाहर वाली आपको फ्लिप की में आपको वारंटी नहीं मिलेगी, जिसमें कि हम इसमें आपको वारंटी भी क्लेम करेंगे 3 साल की। इसमें ये वाला भी रिमोट है, छोटा वाला, ये आपको एक्स्ट्रा रिमोट आएगा, ये एक्स्ट्रा रिमोट है मतलब बैकअप, अगर आपकी जो दूसरी वाली की है उसके अंदर ये वाला डालो। एक बारी शॉप कहाँ है आपकी और क्या नंबर? शॉप हमारी क्रिस्टल कार के नाम से शॉप है, अब्दुल अजीज रोड करोल बाग में। तो दोस्तों, हमारी जो जर्नी थी एक ओल्ड कार को एक रीवैम्प या फिर मान सकते हो कि एक नई जान उसके अंदर फूंकने की, वो आज जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं दिखाना चाहता हूँ बहुत ही खुशी से कि इंटीरियर जो है अंदर का, अगर अंदर का एक बार इंटीरियर देख लें तो ये जो इंटीरियर का कलर है और जो ये फैब्रिक है, मतलब सीरियसली दिल खुश हो चुका है। जो आगे डैशबोर्ड है वो भी पूरा प्रॉपर, अगर स्टेयरिंग देख रहे हैं तो ये स्टेयरिंग भी पूरा रैप्ड। तो फ्रंट से यहाँ पे है हमारी दो सीट्स प्यारी प्यारी, और ये जो इसके ऊपर ये जो फैब्रिक है बेसिकली नापा लेदर होता है ये, तो इस कलर का ही मुझे ये चाहिए था। और इनको लगाने के बाद हमने सोचा कि इसके ऊपर क्या डिज़ाइन बना है, कोई और फैब्रिक तो यूज़ कर नहीं सकते थे, तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ पे मेरा दिमाग चला, मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक एक जिसको बोलते हैं ऐसा वाला, ये बर्फी डिज़ाइन सा दे देते हैं, बीच में 3 लाइन दे देते हैं, वैसे ही इंस्पिरेशन कहीं और से आई थी हमें, अभी बताऊँगा उसके बारे में भी। और यहाँ पर ये 3 लाइन दे देते हैं, ऊपर सेम डिज़ाइन को है कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर तक उनको समझाना पड़ा कि मेरे को चाहिए क्या एक्चुअल में और मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि पुरानी कार है। अब मैं इसको अगर बेच के नहीं ले लूँगा तो अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि चली 30,000 किलोमीटर ये सिर्फ, तो 30,000 किलोमीटर में इन गाड़ियों का कुछ नहीं होता है, इनको चलाओ कम से कम लाख लाख किलोमीटर या 70,000 तो चलाओ कम से कम। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा उसको कि भाई सिर्फ सीट कवर नहीं चाहिए मुझे, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को गेयर का भी चाहिए,
तो उन लोगों ने हमारे लिए गियर का भी बनाया, ये गियर नॉब देखिए पूरा रैप डाई लेदर में। फिर इसके बाद आती है बात इसकी डैशबोर्ड की। तो ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा सेम फिनिश के अंदर है और बहुत ही प्रीमियम फिनिश ये लग रही है। इसको एक बार पॉलिश वॉलिश अगर करा दें तो और ज़्यादा प्रीमियम लुक के साथ ही आ जाएगा। अब इसी फैब्रिक को लेके हमने क्या किया कि ये वाले जो पिलर्स आप देख रहे हैं, ये वाले पिलर्स बनाए। तो ये वाला ही जो फैब्रिक है, मतलब जो नापा लेदर जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेड, वो इन पिलर्स के अंदर लगा हुआ है। तो ये सारे पिलर्स के अंदर लगा हुआ है, अगर पीछे भी देखें तो सारे के सारे पिलर्स के अंदर ऐसे करके लगा हुआ है। अब जो है गाड़ी की जो लुक है वो अंदर से थोड़ी फ्रेश हो गई है, रिफ्रेश हो गई है गाड़ी। ऐसा नहीं था कि ओल्ड लुक आ रहा था, वही बेज बेसिकली लुक आ रहा था, तो वो बेज हटा के कुछ इस टाइप का किया गया है। फिर हमने सोचा कि फ्लोरिंग का क्या करेंगे, तो एक आती है प्रॉपर फ्लोरिंग। तो हमने क्या किया, फिर ये इस टाइप के 7D मैट्स होते हैं जो गाड़ी के अंदर फिट हो जाते हैं, ये इस टाइप के 7D मैट्स लगवा दिए। फिर मैंने मैं बैठा स्टेयरिंग पे तो स्टेयरिंग खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने फिर सोचा कि स्टेयरिंग के ऊपर भी मेरे को रैप चाहिए सेम कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन। तो उन लोगों ने ये स्टेयरिंग का जो रैप बनाया है ये भी काफ़ी अच्छा बनाया है। एक और चीज़ आपको दिखेगी इसमें, जो पीछे वाले जो 7D मैट है बिल्कुल चिपका हुआ है गाड़ी से और प्रॉपर तरीके की फिटिंग है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ इधर से उधर हो रही हो। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना, फ्रेश हो गई है गाड़ी, बिल्कुल एकदम से नई हो गई है, पुरानी गाड़ी को भी एक नई सी जान फूंक दी। फिर क्या होता है कि कुछ जो सीट कवर्स वाले जो लोग होते हैं, सीट कवर वाले मतलब सीट्स जो बनाते हैं बेसिकली, वो क्या करते हैं सीट को ढक देते हैं, इसमें चेन लगा देते हैं। पहले पिछली बारी मेरे पास यही काम हुआ था, बट इस बारी मैंने क्या कहा खुलने वाला बनाना, तो उन्होंने खुलने वाला बनाया। तो अब ये जो खुलने वाला जो है ऐसे करके खुल जाएगा और आप इसके अंदर अपने कप वप या ग्लास व्लास रख सकते हैं, तो मतलब फंक्शनल होनी चाहिए चीज़ें। अब ये अंदर का तो हो गया था, तो जब डोर्स खुले तो ये इतनी जगह खाली थी, तो फिर क्या होता है कि इस वाले पैनल पे नहीं चढ़ पाता है, इन वाले पैनल्स पे चढ़ता है। तो इन वाले पैनल्स पे जो है चढ़ चुका है, ये पिछले वाला है। और अगर आगे वाला मैं दिखाऊँ तो आगे वाला भी बहुत ही ब्यूटीफुली ये रैप करके इसके अंदर स्टिच डाल के इन्होंने जो डिज़ाइन है ये कर रखा है। अब गाड़ी में ये वाला जो मॉल था ना, ये बहुत अच्छा बन गया था, लेकिन रूफ़ कैसी थी वो भी बेज थी। तो रूफ़ में देखो क्या हुआ हुआ है, रूफ़ का जो फैब्रिक है यही चेंज कर दिया हमने, ये वाला ऊपर का फैब्रिक ही चेंज हुआ हुआ है और बीच में यही नापा लेदर की जो फिनिशिंग है ये आई हुई है। ये जो फैब्रिक देख रहे हैं काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, मतलब जैसे महंगी गाड़ियों में तो इसको एलगंडेरा बोलते हैं, बट इन्होंने जौन सा भी फैब्रिक यूज़ किया ना, काफ़ी प्रीमियम फैब्रिक सा ये लग रहा है। रूफ़ में है, ब्लैक है और इसके अंदर भी एक टेक्सचर है, एक डिज़ाइन है। और बीच के अंदर मैंने बोला था कि भैया कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा सा बना देना जिससे कि जो है हमारा इंटीरियर जो है वो सेट हो जाए, तो उन्होंने ये इंटीरियर के अंदर मतलब ये सेंटर के अंदर ये वाली लाइन दे दी है पूरी की पूरी। तो ये इंटीरियर की जो लाइन है ये रेयर से शुरू होती है और वहाँ तक जाती है, स्टार्टिंग तक जाती है, काफ़ी स्पोर्टी फील आ जाती है, काफ़ी मतलब एक फ्रेश सा लुक आ रहा है। अब इसमें एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जब ये गाड़ी आई थी बहुत पहले की बात है 2014 की, तो मेरे पास ये नहीं हुआ करता था की फॉब, तो मैंने की फॉब बनवाया इसका, तो एक की फॉब बना। उसके बाद में इसके अंदर फीचर्स आ गए कि भाई वायरलेसली लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब अगर एक बार इसका इग्निशन ऑन करते हैं तो एक और अमेजिंग सी चीज़ है, वो ये है कि इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर डाल दिया है। तो ये एम्बिएंट लाइटिंग है, इसके कलर चेंज हो सकते हैं जैसे मर्जी हम इसके कलर चेंज करें, और ये देखिए कितने सारे कलर्स के अंदर चेंज हो सकती है ये एम्बिएंट लाइटिंग। एक बारी दिखाओ कि ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है और ये रात को बहुत तेज़ हो जाती है, मतलब इसको डाउन भी कर सकते हैं, और साइड जो डोर्स हैं उसके अंदर भी है। और जैसे ये रेयर डोर हो गए तो इनके अंदर ये जो लाइट्स हैं ये कमाल कर देती हैं। अब इसको चेंज भी कर सकते हो, देखो जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको म्यूज़िक के साथ में भी चला सकते हैं। तो मतलब एक ये फ़न एलिमेंट इसके अंदर हमने और जोड़ दिया। तो दोस्तों ये था कि अपनी ओल्ड कार को अगर कम चली है, जैसे 30,000 किलोमीटर चली है तो और चलाना है तो उसमें क्या रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो इंटीरियर से रिलेटेड रिफ्रेशमेंट्स अभी करके देखी हमने, फिर हम एक्सटीरियर से रिलेटेड वो लेके आएंगे इसी के अंदर। तो बाकी मैंने आपको किसी चीज़ के रेट नहीं बताया, रेट बताने के लिए मैं एक नंबर छोड़ दूंगा नीचे, उस पर कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई इंटीरियर कितने का होता है, या फिर ये जो स्टेयरिंग है ये कवर कितने का होता है, या जो भी एक्सेसरीज से रिलेटेड कुछ भी काम हो तो उन लोगों को कॉल करके पूछ लो, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने से किसी का तो फ़ायदा हो। ये इंटीरियर का काम था, अभी हम इसका एक्सटीरियर का काम भी करेंगे। अगर अलॉय व्हील वाला वीडियो नहीं देखा है इसका, ये अपसाइज अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं और रिम्स लगे हुए हैं 16 इंचेस के, तो इसमें भी क्या क्या मॉडिफिकेशन होती हैं, कैसे कैसे होती है, वो भी मैंने सारे वीडियो बना के डाल रखे हैं, वो भी जाए देख लेना आपका दिल करे तो। और हमारी इतनी मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए या करिए। जब तक आप ये सब कुछ कर रहे हैं तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।